का चौबीस नंबर का श्लोक दस बीस चौबीस ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय व्यमुञ्चान् व्यमुञ्चन् वायुभिः वायुभिः नूना न्यूना भूतेभ्यः भूतेभ्य च अमृत अमृत घन घन यथाशीषो यथाशीष विस्पत विस्पत काले 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 काले, काले दिजेरिता दिजेरिता युर्नूना व्यमुंचन वायुर्नुना भूतेभ्य मृत घन भूतेभ्य मृत घन यपत यहां विस्पत काले काले द्विजे ऋता काले कालेजता <laughs>

मुक्त किया मुक्त किया वायु भी वायु भी वायु के द्वारा वायु के द्वारा नून न्यून प्रेरित प्रेरित भूतेभ्य भूतेभ्य समस्त जीवों के लिए समस्त जीवों के लिए चा, चा। तथा तथा अमृतम अमृतम अमृत अम्रित तुल्य जल अमृत तुल्य जल घना घना बादल बादल यथा यथा जिस जिस तरह तरह आशीष आशीष दातव्य आशीर्वाद दातव्य आशीर्वाद पतयत राजा राजा काले 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 समय समय पर समय समय पर दिव द्विज ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण द्वारा ई रीता ई रिता प्रेरित प्रेरित अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने समस्त जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त किया जिस तरह राजा गण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेशानुसार अपनी प्रजा में दान बांटते हैं तात्पर्य शिलप्रहुपाद की टीका है वर्षा ऋतु में वायु द्वारा उछाले गए बादल जल प्रदान करते हैं जिसका स्वागत अमृत के समान होता है जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजा तथा तो धनी व्यापारी जैसे समृद्ध व्यक्तियों को बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने हेतु दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ऐसी संपत्ति का वितरण भी अम्लित अमृत तुल्य होता है मानव समाज के चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पारस्परिक सहयोग से शांति पूर्वक रहने के लिए निर्मित है किंतु ऐसा तभी संभव है जब उनका मार्गदर्शन ऐसे कुशल वैदिक ब्राह्मण करें जो यज्ञ करते हों और धन का समान वितरण करें जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग वर्षा ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं कल श्लोक नंबर सोलह तक हुआ था आज हम लोग सत्रह से प्रारंभ कर रहे हैं लोक बंधु सुमेघे सु चल सौहद स्थर्यम चक्रु कामि पुरुषेश गुणी शिव वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि बिजली चमक रही है स्वाभाविक है वर्षा ऋतु में हम लोग बिजली के चमने चमकने की क्रिया को देखते हैं विद्युत तो के विषय में कह रहे हैं कि विद्युत चल सौहृदय विद्युत के विशेषता है कि उसमें अस्थायित्व तो नहीं है विद्युत चमकता है तो कभी इस बादल में चमक रहा है तब तक कभी दूसरे जगह चमकने लगता है आप लोग देखे हैं ना और ऐसा नहीं है कि जिस बादल में चमक रहा है तो बहुत देर तक वहीं टिका रहे चमका और इसके बाद विलुप्त फिर दूसरे जगह चमकने लगा और ए, बादल का विशेषण दे रहे हैं लोक बंधु सु। बादल है? तो प्राणियों का सुहृद है बादल तो जीवों की सहायता करता है जल दे करके तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है वह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण बादलों से भी बिजली का अस्थाई संबंध नहीं है स्थाई सौहार्द नहीं है एक उदाहरण दे रहे हैं कि स्थर्जम न चक्रु कामिन्य पुरुषेशु गुणीव उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कामनी है तो वह गुणिसु पुरुषे पुरुषेशु अस्थर्जम न चक्रु यद्यपि कोई गुणशील व्यक्ति है लेकिन फिर भी उससे अस्थाई संबंध नहीं रखती विद्युत बादल से कैसा संबंध है और इसको स्पष्ट करने के लिए लोक से पुंशली स्त्री का पुरुष से कैसा संबंध होता है और इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ ध्यान देने की बात है बादल के लिए कह रहे हैं कि लोक बंधु तो बादल कोई बुरा व्यक्ति नहीं है वो तो अच्छा व्यक्तित्व तो है उसका और लोगों की सहायता करता है लेकिन बिजली के स्वभाव को देखे कि ऐसे हितकारी बादल से भी अस्थाई संबंध नहीं रखती तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई कामनी स्त्री है वह गुणी व्यक्ति के साथ भी अस्थाई रूप से नहीं रहती गुणी सी व पुरुषेश गुणी सु और कामनी स्त्री और सती स्त्री का अंतर होता है यहां स्त्री के विषय में कहा जाता है का अर्थ ही होता है पुंसी पुंसी चलती उदाहरण कामनी स्त्रियों का दे रहा है और इससे शिक्षा मिलती है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए उपादेय शिक्षा नहीं है यह हे शिक्षा ऐसे व्यवहार का त्याग करना चाहिए स्त्री के स्वभाव में है कि कोई गुणी लोक बंधु ऐसा भी व्यक्ति है कि उसको उसका भरण पोषण कर रहा है उसको बहुत सुविधा दे रहा है, उसको धन दे रहा है, लेकिन दो अर्थ में वो उससे अस्थाई संबंध नहीं रखती एक है, इस अर्थ में कि उससे अधिक कहीं गुण दिख गया धन सौंदर्य तो तुरंत उसको छोड़कर के उससे कनेक्शन जोड़ती या कभी कभी वह गुणी है और उसको उदारता से सुविधा दे रहा है और लोक बंधु दूसरों को भी दान इत्यादि दे रहा है कहते हैं कि कैलकुलेट कर देती है कि ऐसे ही खर्चा करता रहेगा तब तो कंगाल होने वाला अब इसके साथ क्या रहना है <laughs> तो यह उदाहरण है इसका त्याग करना चाहिए और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो इसे संसार में समृद्धि के लिए उनको परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है कोई पुरुष भी है और सांसारिक जीवन जीना है तो स्त्री की आवश्यकता होती है बहुत सुविधा होती है और स्त्री को भी एक आश्रय की आवश्यकता होती है अब दोनों का संबंध अस्थाई होता है तो बहुत समृद्धि रहती है और कहीं खटपट होने लगा या अब स्त्री त्याग करके चली गई तो पुरुष बहुत परेशानी महसूस करता है अरे व्यवहार में तो परेशानी होती है उसके मन में बहुत परेशानी होती है <laughs> साधारण लोगों से तो कोई हमलो का इस विषय में संबंध नहीं है लेकिन भक्तों के जीवन में भी ऐसा देखा जाता है तो स्त्री त्याग कर दी तो बहुत उद्वेलित रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। अब पति जब है, बहुत दुखी है उद्वेलित है तो बच्चों का भी ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो एक तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाता तो आचार्यों ने इस पर लिखा है कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी भी स्त्री से असक्ति ना किया जाए खास करके जो माया को पार करना चाहते हैं तो उनको किसी भी स्थिति में स्त्री से प्रमदा में असक्त होना ही नहीं संगम न कुयात प्रमदा सुजातो जातु जिग मिसो भवसागर से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में बोले हैं कि संगम न कु प्रमदा सुजातु किसी भी स्थिति में प्रमदा से प्रमदा मतलब जो उन्मत करने वाली है और उसे संगमत कीजिए पारम परम जिग मिसो से जो भवसागर को पार करना चाहते हैं तो उनको कामनी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और दोनों दृष्टि से यदि कामनी में असक्ति हुआ तो परलोक तो नष्ट होता ही है यह संसार भी बहुत दुखमय हो जाता है बहुत मानसिक व्यथा झेलना पड़ता है और इसलिए इस विषय में सावधान रहना चाहिए आदर्श संबंध है कि स्त्री जिस पुरुष का वर्ण कर ली अब तो जीवन भर उसके साथ और पुरुष जिस स्त्री का वर्ण कर लिया तो एक पत्नी व्रत धर अब उसको व्रत धारण करना चाहिए कि इसके अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री से हमारा मैथुन संबंध नहीं होगा तो यहाँ जो बादल और बिजली के संबंध को दिखाया गया है या कामनी स्त्री के व्यवहार को दिखाया गया है तो इससे हे शिक्षा प्राप्त होती है ऐसा व्यवहार का त्याग करना चाहिए अब आगे कह रहे हैं गुणनी अभा गुणिन्य भात व्यक्ते गुण व्यती करे अगुणवान पुरुषो यथा आकाश में कभी कभी खास करके संध्या के समय एक धनुष जैसा दिखने लगता है उसमें कोई एक रंग दिखता है और उसको इंद्र धनुष कहते हैं सब लोग इंद्रधनुष देखे हैं ना इंद्रधनुष और इंद्र धनुष को धनुष क्यों कहते हैं वो धनुष है वो धनुष तो है नहीं लेकिन उसकी आकृति धनुष जैसी लेकिन जो ओरिजिनल धनुष है और इंद्र धनुष में अंतर क्या है रस ये संसार में जो धनुष देखते हैं तो झुका हुआ है इसलिए कि उसको रस्सी से बांधा गया यदि बांस का जो फरनाठी है उसको रस्सी से ना बांधे तो लगभग सीधा हो जाएगा वह चाप जैसा तब तो बनता है जब उसको रस्सी से बांध करके रखते हैं। तो इंद्र धनुष धनुष है लेकिन उसमें गुण नहीं है संस्कृत में रस्सी को गुण कहते गुण मतलब रस्सी तो इंद्रधनुष कैसा धनुष है निर्गुण बिना गुण का बिना रस्सी का और वह कहा शोभित हो रहा है, है तो वह निर्गुण सुन रहे हैं ना ध्यान से वो निर्गुण है लेकिन शोभित कहा हो रहा है गुणी से बादल को गुणी कह रहे हैं बियती आकाश में गुणनी बियती जो गुण से युक्त है उस आकाश में तो आकाश का क्या गुण है लो, पंच महाभूत के गुण तो ये सबसे अधिक यहाँ चर्चा होती है ना आकाश का गुण शब्द उसमें गुण है ना और कह रहे हैं कि गुणनी बियती बियत मतलब आकाश शब्द साउंड आकाश का गुण शब्द है तो एक गुण है इसलिए उसको कह रहे हैं कि गुण नहीं मैंने गुण वाले में तो निर्गुण धनुष कहा शोभित हो रहा है गुण वाले में तो उदाहरण दे रहे हैं कैसे शोभित हो रहा है व्यक्ति गुण व्यति करे अगुणवान पुरुषो यथा ये जो संसार है तो यह तो गुणों का ही विकार है जो भी संसार आप देख रहे हैं प्रपंच जो देख रहे हैं तो बस है, तीन चीज का ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है सत्वरज तम यही विविध रूप में हुआ है ना तो ये संसार है, तो स्वगुण है ये स्वगुण क्या गुण स्वरूप और अगुणवान पुरुषो यथा और भगवान गुण से वे गुणातीत जो प्रकृति के गुण है उससे ऊपर है ना तो जैसे धनुष वह गुण रहित है वहां गुण रहित मतलब रसी रहित और अब उसके जगह पर भगवान तो ये भी गुण रहित है इस अर्थ में कि तम से उनका कोई संपर्क नहीं तो धनुस, इंद्र धनुस, ही वो गुणनी बियती गुण वाले आकाश में लेकिन शोभित बहुत होता है तो ठीक वैसे शोभित हो रहा है निर्गुण धनुष गुण जुत आकाश में वैसे शोभित हो रहा है जैसे गुण है के कार्य में निर्गुण भगवान शोभित होते समझ में आ रहा है भगवान निर्गुण है लेकिन गुण में शोभित हो रहे धनुष निर्गुण है और गुण युक्त आकाश में शोभित हो रहा यह बहुत सुंदर उपमा है कभी भी भगवान में प्रकृति के गुण का आरोप नहीं करना चाहिए भगवान बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन गुण का कोई संपर्क नहीं भले ही वो गुण में शोभित हो रहे हैं लेकिन है हाँ बिल्कुल निर्गुण जैसे आकाश में इंद्रधनुष शोभित हो रहा है वो धनुष जरूर है लेकिन निर्गुण धनुष है उसमें रसी नहीं है और ये तो भगवान का उदाहरण दिए अब फिर एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं नर राजो डुप नर राज डुप छन्न स ज्योत्सना राजितर घन अहम मत्या भाषित स्वभाषा पुरुषो यथा कह रहे हैं कि राजित ही घन छन्न उडुपह न रराज उडुप मतलब चंद्रमा उदुप का अर्थ है चंद्रमा तो जब बादल छा जाता है तो चंद्रमा दिखते हैं कि नहीं नहीं दिखेंगे और चंद्रमा तो नहीं दिखते हैं लेकिन बादल दिखता है कि नहीं दिखता है और कभी कभी बादल में तेज भी दिखता है लालिमा भी दिखती है चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं और बादल लाल दिखती है तेज से युक्त दिखती दिखती है लेकिन बादल तो दिख रही है तेज से जुक्त है। लेकिन वो तेज किसका है बादल का नहीं तेज है चंद्रमा का और उसी तेज से बादल चमक भी रहा है लेकिन चंद्रमा को ही ढक दिया तो अब इसको समझाने के लिए उदाहरण एक दे रहे हैं कि अहम मत्याभाषितया स्वभाषा पुरुषो यथा था कहें कि स्वभाषा जिसका अपना प्रकाश है जो स्वयं ही प्रकाशित होता है लेकिन अहम मत्या भाषितया पुरुषो यथा लेकिन अहंकार से जैसे वो ढक जाता है वो तो अहंकार है, तो प्रकाशित हो रहा है अहंकार है, तो बहुत बहुत प्रकार का है लेकिन अहंकार तो दिखता है लेकिन अहंकार को जो प्रकाशित करने वाला है तो वही ढक जाता है ये जो प्राणियों में अहंकार है खास करके मनुष्य में मैं, तो मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं तो ये बादल के चमक जैसा है बादल में भी एक प्रकाश दिखता है ना लेकिन वो प्रकाश उसका अपना नहीं है प्रकाश किसका है चंद्रमा का तो ये विचित्र बात है विचित्र विडंबना है कि चंद्रमा के प्रकाश से बादल भाषित हो रहा है चमक रहा है लेकिन चंद्रमा को यह ढांक दिया है चंद्रमा दिखाई नहीं देता और तो उसी तरह आत्मा के शक्ति से ही आत्मा के गुण से ही ये अहंकार दिखता है या और भी जो गुण है तो शरीर बहुत प्रिय लगता है शरीर प्रिय है ना? शरीर प्रिय लग रहा है लेकिन यह प्रिय क... इसमें प्रियता गुण अपना नहीं है किसका गुण है आत्मा का आत्मा प्रिय है तो वही गुण शरीर में भाषित हो रहा है लेकिन यह शरीर आत्मा को ढक देता है इसको थोड़ा और विचार करके समझिए ऐसे किसी में अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं सुंदर हूं मैं गोरा हूं यदि शरीर में जीवात्मा न रहे तो ऐसा कोई अहंकार कर पाएगा <laughs> तो ये अहंकार को प्रकाशित कौन कर रहा है जीवात्मा और यह अहंकार उसे आत्मा को ढक दे रहा है। हम आत्मा के विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं बिल्कुल आदमी भूल जाता है आत्मा के स्वरूप का तो स्मरण नहीं होता है न उसका अनुसंधान नहीं है यह बड़ा ही सुंदर उदाहरण दे रहे है ये तो चंद्रमा के या आकाश के सौंदर्य को समझाने के लिए जीवात्मा का उदाहरण दे रहे हैं लेकिन हम लोगों को तो आकाश के उदाहरण से जीवात्मा और शरीर के संबंध का कुछ ज्ञान हो रहा है हम लोग इसको उल्टा रूप में ग्रहण कर रहे हैं किसी को कुछ कठिनाई लग रही है इस बात को समझने में फिर से इस बात को समझिए चंद्रमा आकाश में है बादल ढक बादल खूब छा गया तो चंद्रमा तो ढक जाता है वो नहीं दिखाई देता लेकिन वो जो बादल है उसमें कुछ कभी कभी चमक कभी कभी लालिमा ऐसे दिखाई देती है या कभी कभी झुक झुक चंद्रमा भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा तो बादल को नहीं चंद्रमा को बादल ढंक दिया जबकि उसी के शक्ति से वह किरण को प्राप्त कर रहा, लालिमा को प्राप्त कर रहा है और उसी तरह आत्मा के शक्ति से ही अहंकार की प्राप्ति है आत्मा न रहे तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा चेतना शक्ति नहीं रहेगी अहंकार क्या आएगा लेकिन यही अहंकार है, आत्मा के स्वरूप को एकदम आवृत कर देता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता तो अहंकार के कारण को समझना चाहिए जो शरीर है तो यह प्रिय लगने लगता है अपना शरीर या दूसरे का शरीर लेकिन ये प्रियता गुण शरीर का नहीं है आत्मा का है आत्मा न रहे शरीर में तो कोई शरीर प्रिय नहीं लगेगा तो अपना शरीर भी प्रिय नहीं लगेगा और तो पत्नी का शरीर भी प्रिय नहीं लगेगा तो आत्मा के गुण से ही पत्नी प्रिय लग रही है लेकिन कभी इधर ध्यान नहीं जाता है कि वह आत्मा भगवान का अंश है वो भगवान का सेवक है उसको तो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए आदमी पूरा पूरा अपने सेवा में ही लगाना चाहता है तो बहुत सुंदर ये निरूपण कर रहे है अहम मत्या भाषितया ये अहंकार किसी में है तो इसी से पता चल रहा है कि चेतन तत्व है चेतन तत्व न रहे तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं है या जो चेतन तत्व का गुण है उस सेवा करने का अभिमान करने का तो वही गुण शरीर में प्रकाशित हो रहा है उसी के शक्ति से प्रकाशित हो रहा उस आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि स्वभाषा उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह ढक गया यह जीवात्मा पर भी घटित होगा और परमात्मा पर भी घटित होगा भगवान के शक्ति से ही अहंकार उदित हो रहा है विविध प्रकार का अहंकार है लेकिन वही भगवान ढक गए कभी स्मरण नहीं आता है कि हृदय में भगवान यदि यह अनुसंधान रहे कि हमारे हृदय में ही भगवान है तो कोई व्यक्ति बुरा कर्म नहीं कर सकता यह ध्यान रहे कि भगवान हृदय में है तो बुरा कर्म नहीं करेगा लेकिन भगवान का अनुसंधान नहीं रहता भगवान बहुत दूर हो जाते देह सतदेह गेह ममाह मितुढ़ दुराग्रहाण जिसका अहंकार बहुत जम गया है और उस व्यक्ति के लिए भगवान परमात्मा यद्यपि वे हृदय में ही है लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं और जैसे बादल को देह करके हम चंद्रमा का अनुमान कर लेते हैं बादल के चमक से समझ जाते हैं कि चंद्रमा है तो उसी प्रकार अहंकार को देह करके भगवान की सत्ता का अनुसंधान करना चाहिए उस पर ध्यान रखना चाहिए अब एक बात कह रहे हैं कि मेघा गमोत्सवा रिश्ता प्रत्यनंदन शिखंडी आकाश में मेघ आए बादल आए तो इसको देह करके मयूर प्रसन्न हो जाते हैं मयूर के लिए ती तो उत्सव के समान है बादल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रत्यनंदन शिखंडी तो प्रसन्न हो करके बादल का सत्कार करते हैं नाच नाच करके सत्कार करते हैं बादल को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं मोर वो तो कैसे प्रसन्न होते हैं बादल को देख करके उदाहरण दे रहे हैं कि गृह सुतप्त निर्वीणा यथा जन जनागम मयूर बादल को देह करके वैसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे कोई गृहस्थी के चिंता से दुखी व्यक्ति तप्त व्यक्ति और वैराग्य युग व्यक्ति कैसे वैष्णव के दर्शन से प्रसन्न होता है देखिए गृहस्थी के लिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्तु तप्त घर गृहस्थी में तप्त है तप्त तो सब रहते ही हैं कोई भी गृहस्थी के जीवन है तो उसका ऐसा स्वभाव है कि हमेशा संताप रहता है थोड़े देर के लिए वे बहुत प्रसन्न भी होते हैं श्रीमद भागवतम इसको लिखा गया है गंधर्व नगरोपम जैसे कभी आकाश में ऐसा बादल दिखता है कि लगता है कि कोई नगर ही आकाश में लेकिन एक समय वो नगर जैसा दिखता है तब तक दूसरे क्षण <laughs> वो समाप्त हो गया वो कभी कभी अपने पत्नी के साथ पुत्र के साथ गृहस्थ प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं लेकिन वो बहुत समय तक टिकता नहीं अभी ऑफिस से आए और पत्नी पानी दी चाय दी खुश हुए और तब तक कहीं घर में दृष्टि पड़ा कि ये सामान गड़बड़ इधर से भाई नहीं अब <laughs> थोड़े देर में ही क्रोध में हो जाएंगे यह तो बिल्कुल अनुभूत विषय है और प्रायः तप्त ही रहते हैं स्त्री के व्यवहार से पुत्र के व्यवहार से संतुष्ट नहीं रहते ऐसे ऐसे गृहस्थ है कि पत्नी अच्छे घर में है उसको आप अच्छे घर में रखे है वृंदावन का खूब अच्छा अपार्टमेंट लेकिन खुद दूसरे के घर में गुजर करते हैं पत्नी ये ग्रीन में और वे पुष्पांजलि में किसी के बरामदे में पति महोदय उसका कारण क्या है तो वहां बहुत टेंशन हो जाता है उसके व्यवहार से बहुत टेंशन दूर रहने में शांति है तो तप्त तो रहते हैं लेकिन जब तक निर्वेद नहीं है निर्वेद का अर्थ होता है कि उसके कटुता का अनुभव होने लगा कि अच्छा चीज नहीं है बल्कि छूट जाता तो अच्छा था तो इसको निर्वेद कहते तो कुछ है निर्वेद है गृहस्थी के कटुता का अनुभव कर रहे हैं और उस समय कोई वैष्णव दिख जाता है तो बहुत प्रसन्न होते यदि निर्बेद नहीं है कष्ट भोग रहे हैं टेंशन है करकराहट है लेकिन निर्बेद नहीं है वैराग्य नहीं है तो वैष्णव के आने पर भी प्रसन्नता नहीं होती है बल्कि कुछ दुख ही होता है कि अब तो आया कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा <laughs> अब तो घर पर आया तो <laughs> कुछ तो हमारा और खर्च हो जाएगा <laughs> लेकिन यदि निर्वेद है वैराग्य है तो बहुत शीतलता अनुभव करते तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थी में तप्त लेकिन केवल तप्त नहीं निर्वेद युक्त निर्वीण व्यक्ति वैष्णव के दर्शन से भगवान के लोक के दर्शन से जैसे प्रसन्न होता है वैसे ही मेघ बादल के दर्शन से प्रसन्न हो गए हृष्ट हो गए उनके उत्सव स्वरूप यह वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं के पित्वाप यही है ना पित्वाप पादपा पद भी आसान आसन नानात्म मूर्त प्राक्षा तपसा श्रांता यथा कामान सेवया वृक्ष के विषय में कह रहे हैं कि पित्वा आप पादपा पादपा जो पैर से ही पीता है उसको पादप कहते हैं वृक्ष को पादप कहते वह तो अपने जड़ से ही शक्ति खींच लेता है रस खींचता है तो कह रहे हैं कि बरसात होने से तो अब बहुत जल मिलता है नीचे से तो पद भी आसन नानात्म मूर्त वह वो अपने पैर से ही जड़ से ही वो रस खींच करके पानी पी करके और आशा नानात्म मूर्त वह विविध रूप में हो गया विविध रूप में इस अर्थ में कि अब बरसात होने से उसके डाली फेंक रहे हैं पत्ते फेंक रहे हैं कई एक डाली पत्ते क्या क्या आ रहे हैं और वही वृक्ष पहले कैसे था प्राक छमा तपसा श्रांता यथा कामानु सेवया पहले तो बिल्कुल है। वह तप्त था श्रांत था वो थका हुआ था इस अर्थ में कि पत्ते भी गिर रहे ये श्रांति का दो तक है गर्मी के चलते पत्ते भी गिर जाते हैं तो गर्मी में तो एकदम पत्ता गिर गया सूखा हुआ लेकिन बरसात हुआ तो अब अपने जड़ से रस घिर करके आसन नाना तो मूर्त अब इधर टहनी फेंक रहा है उधर फेंक रहा है पत्ते भी आ गए नाना रूप धारण कर रहा है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि यथा कामान उसी जैसे कोई व्यक्ति गरीबी में है तो तप रहा है उसका शरीर भी सुख गया है लेकिन अब है, उसके भोग के संसाधन आ गए तो अब नानात्म मूर्त कोई एक चीज खाता है कोई एक ढंग का कपड़ा पहनने लगता है ऐसा होता है ना अब संसाधन नहीं है तो एकदम सूखा हुआ है और एक कपड़ा कुछ है और कैसे भी निर्वाह कर रहा है और जब है, संसाधन हो गए उसके अच्छे प्रारब्ध उपस्थित हो गए तो कई एक रंग का कपड़ा वो पहनने लगता है कई एक स्वेटर लोग धारण करने लगते हैं और क्या क्या, -क्या खाने पीने लगते हैं तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि वैसे ही जो वृक्ष सूख गए थे गर्मी में एकदम थके लग रहे थे पत्ते इत्यादि गिर गए थे तो बरसात आते ही अपने जड़ से रस लेकर के वे नाना रूप में पल्लवित तो हो गए और वे बढ़ने लगे अब इसमें शिक्षा की क्या बात है शिक्षा यह है कि प्रारब्ध से कभी दुख आता है और कभी सुख आता है वो इसके फेरे में नहीं रहना चाहिए वो तो सुख दुख आ जाएगा सुविधा असुविधा आती जाती रहे इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए सुविधा जुटाने के लिए वो तो प्रारंभ से आ जाएगा प्रयास करना चाहिए भक्ति करने के लिए प्रहलाद महाराज इसको स्पष्ट शब्दों में कहे है कि सुख मैंद्रिय कम दैत्या देह जोगे न सर्वत यथा दुखम बात को एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं जैसे सुविधा है भोग सामग्री है तो देह मिला है तो देह मिलने से ही देह प्रारब्ध का फल है तो प्रारब्ध से ये भोग मिल जाते हैं अरे बिना प्रयास के कैसे मिल जाएंगे तो कि यथा दुखमय जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करते कोई प्रयास करता है कि हमको बुखार आ जाए लेकिन बुखार आ जाता है तो जैसे बिना प्रयास का ही बुखार आ जाता है तो वैसे ही बिना प्रयास की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है अच्छा अच्छा खाने को भी मिल जाता है अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाता है तो इसलिए सुविधा के लिए भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए यह तो अपने से ही प्राप्त हो जाएगा जो प्रारब्ध में होगा उसके अनुसार भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए भक्ति प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होती उसके लिए भक्ति करना होता है भक्ति करने से भक्ति की वृद्धि होगी या प्राप्ति होगी और उसके लिए प्रयास करना चाहिए व्यर्थ आयु नहीं बिताना चाहिए भोग जुटाने में इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वृक्ष है कभी सूखा रहता है कब तक हरा भरा हो जाता है वैसे हमारा जीवन चलता रहेगा अब पक्षी के विषय में कह रहे हैं कि सर स्वशांतरोधु नृषु अंगापि सारसा गेश्व शांत कृत्यु ग्राम्या इव दुराशया कि बरसात आने पर सरोवर के नजदीक कीचड़ हो जाता है और कई एक घास उग जाते हैं जिसमें कांट होता है और वो जल के लहर से इंकड़ पखड़ भी वो नजदीक आ जाते हैं और उसी में बबुल इत्यादि का पौधा जम जाता है और कीचड़ रहता है लेकिन सारस है जो सारस पक्षी है तो वह सरोवर के तट पर ही रहता है सरह सु अशांत रूद सु वह जो उसका तट है सरोवर का तो पंख से कांटा से कंकड़ से वो कष्टदायी हो जाता है लेकिन फिर भी सारस पक्षी बरसात में भी वही रहता है अब उदाहरण दे रहे हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए गृहेश ग्राम्या इव दुराशया जैसे दुराशया जिसका चित्त शुद्ध नहीं है जिसके चित्त में भोग की वासना है वो अशांत कृत्य सु जहाँ बहुत टेंशन है शांति नहीं है और एक एक से कार्य लगा रहता है कार्य को संपादित करने में वे हमेशा तंग है हमेशा परेशान है लेकिन फिर भी वह गृह में ही निवास करता है गृहस्थी के स्वरूप को बतलाया गया है कि इसमें कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे खेत है भूमि है तो बरसात में घास जमता है तो उसको कुदारी चला करके या हल से जोत करके अब घास को कम कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अब घास खत्म हुआ वो जल्दी खत्म नहीं होता है कोई एक चास सुनने पर तो वो ये उसको बीने दे तो लगता है कि हाँ अब खेत चिकना हो गया अब घास नहीं है और तब तक दस बीस दिन के बाद फिर घास निकलने लगता है बहुत परिश्रम करके दुबा को कोड़े और उसको बीने तो दुबा तो निकल गया अब एकदम मिट्टी अच्छा लगता है लेकिन दस बीस दिन के बाद अब मोथा उसी में जमने लगता है <laughs> <laughs> मैं भी बिहार में गए थे थोड़ा दूर मंदिर में फूल लगाने के लिए भूमि कोडने में बहुत परिश्रम करना पड़ा और कई एक लोग थे तो कोड दिए कुछ कुछ घास कम हुआ फिर उसको ट्रैक्टर से जोतने से कुछ कम हुआ तो ऐसे लग रहा था कि अब ठीक हो गया तब तक अब मैं तो चार पांच ही दिन रहा तो तीन चार दिन गए भाई देखा कि दूबा तो खत्म हुआ लेकिन अब मोथा निकलने लगा उससे। तो गृहस्थी का यही स्वरूप बतलाया गया बहुत काम होता है नाना जंजाला और आदमी निपटाता है कि अच्छा ये ये संपादित कर दूं अब थोड़ा फुर्सत में होगा और तब तक फिर कुछ न कुछ लग जाता है हम अपने घर का तो काम सब संभाले सब जुटाए तब तो, तक बेटी को कुछ समस्या है तो बेटा दूसरे जगह उसके चिंता में लग गए उसको कुछ भेजना है तो कुछ ना कुछ है कार्य लगा रहता है शांति नहीं रहती है लेकिन के गृहेशु अशांत कृत्यसु घर के काम को संपादित करने में अशांति रहती है लेकिन दुराशय ग्राम्य युवा उसका चित्त शुद्ध नहीं है और भोग की इच्छा से घर में ही रहता है घर में क्या व्यक्ति रहता है क्योंकि इच्छा है पत्नी का स्पर्श करे पुत्र का स्पर्श करे इस वासना के चलते ही रहता है ना तो जैसे घर में वो पड़ा रहता है भले ही कितना भी परिश्रम करना पड़े कितना भी टेंशन रहे क्योंकि वैसे ही सरोवर का तट तो अशांत है अशांत इस अर्थ में कि की कीचड़ है और कांटेदार पौधा उग गए हैं कंकड़ इत्यादि है लेकिन उस तट का त्याग नहीं करता क्यों नहीं त्याग करता है कि मछली का लोभ है तट पर रहता है तो बीच बीच में मछली खाता है सारस पक्षी और गृहस्थ की समानता दिखाई गई जैसे मछली के लोभ में वो का त्याग नहीं करता है भले कई एक प्रकार की असुविधा तो उसी तरह ग्राम ग्राम में सुख के लोभ में वो घर का त्याग नहीं करता यह कोई उपदेश शिक्षा नहीं है ये हे शिक्षा है कभी कभी गृहस्थ को गृह का त्याग करके तीर्थ इत्यादि में जाना चाहिए हमेशा घर में ही नहीं रहना चाहिए कभी कभी छोड़ करके घर तीर्थ में जाना चाहिए लोभ का मछली के लोभ का त्याग करना चाहिए सारस केवल मछली के लोभ में पड़ा रहता है, उसी तरह गृहस्थ भी ग्राम्य सुख के लोभ में रहते हैं, आगे कह रहे हैं कि जलौ है निर्भिद्यंत सेतव वर्ष तीसरे पाषणी नाम असदवाद वेद मार्ग कलौ था। के जब वर्षा की व्यवसार होती है जलौघ है, जल का धार गिरने लगता है तो उसके प्रभाव से अभिद्यंत सेतवो बरसती ईश्वरे अब भगवान इंद्र खूब वर्षा करने लगे तो जो सेतु है पुल है वह टूट जाता है आप लोग पेपर में पढ़ते हैं बहुत वर्षा है अब तो जो पुल है वह टूट जाता है तो कह रहे हैं कि पाषणी नाम असद वेद मार्ग कलव उदाहरण दे रहे हैं के जैसे कलयुग में वेद मार्ग टूट जाता ये है वो मार्ग है, लेकिन बहुत वर्षा होने से अब पुल टूट जाता है, सड़क अवरुद्ध हो जाता है और उसी प्रकार जैसे कलयुग में पाखंडवाद से जो वेद विरुद्ध पंथ है तो उनका इतना प्रभाव हो जाता है कि वेद का जो पंथ है वह भंग हो जाता है और इससे शिक्षा यह है कि प्रयास पूर्वक कलयुग में जो वैदिक धर्म है उसका अन्वेषण करना चाहिए भले ही वह टूट गया है ये पाप के चलते कलयुग के लेकिन उसका खोज करना चाहिए उसको प्राप्त करना चाहिए अब आगे कह रहे हैं यथाशिशो दिस्पत काली काली द्विजेरिता खास करके अब बरसात के अंतिम दिनों का वर्णन कर रहे जब बरसात का अंतिम महीना होता है कुआर में अश्विन मास में और उस समय अब थोड़ा भी बादल होता है तो हवा आने से वर्षा हो जाती से चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में वर्षा का बहुत महत्व है और चित्रा नक्षत्र है तो लोग कहते हैं कि चील बराबर भी बादल आकाश में तो कुछ पानी दे देगा और उस समय पानी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तो कह रहे हैं कि व्यमुंचन वायु भी नूना भूतेभ्य मृतम घना वायु से प्रेरित होकर के हवा के झकोरे से बादल जल को छोड़ रहे हैं जल गिरा रहे हैं और जल के लिए कह रहे हैं कि अमृतम वो तो अमृत के समान है और उदाहरण दे रहे हैं कि यथा शिशो विष्पत काले काले जैसे राजा या धनी व्यक्ति ब्राह्मण के कहने से पुरोहित के कहने से अपना धन प्रदान करता है और श्री प्रभुपा जी लिख रहे हैं के ब्राह्मण के कहने से या किसी दूसरे के प्रेरणा से कोई राजा धन देता है धनी व्यक्ति धन देता है खास करके यज्ञ इत्यादि के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ओ पुरोहित लोग राजा मंत्री लोग प्रेरित करते हैं राजा को और वो धन देता है दान देता है तो बहुत महत्वपूर्ण है अभी एक दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो बहुत लोग जहां तहा फंस गए वो तो बाहर वाले तो फंसे ही यहाँ वृंदावन में कई एक ऐसे वैष्णव है कि जो भाड़ा पर घर तो ले लिए है लेकिन उनका किचन नहीं है आवास है लेकिन रसोई घर नहीं है अब कहीं अन्य क्षेत्र में या किसी संस्था में जा के प्रसाद ले लेते हैं या माधुकरी करते हैं। जो करते हो तो एक तो यह स्थिति है अच्छा दूसरी स्थिति है कि रूम भी लिए हैं और उसी में किचन भी रखे हैं लेकिन अब गरीब है वैष्णव है तो थोड़ा थोड़ा सामान रखे हैं <laughs> तो जैसे आमदनी आएगा कहीं कहाँ कथा कीर्तन हो जाता है कुछ दक्षिणा मिल जाता है तो कुछ आटा कुछ <laughs> तेल जाते हैं कुछ बना लेते हैं लेकिन लॉकडाउन लगा तब तो अब तो जहे तो बंद तो हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कई एक ऐसे होते कि दो तीन दिन का ही बस चावल है गैस है अब लॉकडाउन में उनको बहुत परेशानी हो रही थी लेकिन कोई कोई ब्राह्मण है प्रेरित करने लगे कि इन लोगों को कुछ देना चाहिए तो तो बहुत धनी लोगों से तो हम का संपर्क नहीं है लेकिन कुछ वैष्णव के पास जो एक्स्ट्रा है तो वही दो चार हजार रुपया दिए तो चावल दाल उनको मिला तो अमृत से कम नहीं महसूस कर रहे थे बहुत सुविधा महसूस की इसके बाद तो व्यापक स्तर पर भी वो मेल लिख करके कोई एक जगह से लेकर के अपना प्रसाद बांट रहे थे बहुत सुविधा हो गई <laughs> बंदरों को कठिनाई थी तो मेल लिखना पड़ता है ना <laughs> भी डिपार्टमेंट की जरूरत है <laughs> कोई सलाह देता है फोन करता है मेल लिखता है तब उनको चेत होती है और वे अपना धन देते हैं तो उसे बहुत सुविधा हो जाती है तो आप लोगों का अनुभव है पिछले साल जो देखे होंगे तो इसी बात को कह रहे हैं कि हवा के झकोरे से उनकी प्रेरणा से बादल जल गिरा रहा है तो अमृत के समान और इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे विस्पतः दुजेरित काले काले यथाशीष जैसे समय आने पर दुर्भिक्ष के समय में विषम स्थिति में ब्राह्मणों से प्रेरित होकर के धनी व्यक्ति सुविधा को प्रदान करता है और तो इस प्रकार है, भगवान के वर्षा ऋतु के लीला को कहने के लिए वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है और इसका वर्णन किया गया और इसी क्रम में भागवत पढ़ने वालों को बहुत बहुत प्रेरणा भी दे दिया गया अब भगवान के वर्षा ऋतु के लीला का वर्णन कर रहे हैं एवं बनम तद वर्षिष्टम शम पक् खरजूर जम्बू मत गो गोपाल सबल प्रापिशरी वृंदावन का वर्णन किए कि वर्षा ऋतु में ऐसे वृंदावन की शोभा थी श्रीमत और पक्को खरजूर जम्बू मत वर्षा का टाइम है प्रारंभ हुआ है तो खजूर पक गया है जामुन पक गया है तो ये पके हुए जामुन और खजूर से भरा हुआ वृंदावन और बहुत समृद्ध है सुंदर है, है तो गो गोपाल वृते रंतुम सबल सबलह प्राविशत हरि, गाय और, और गोपालों से घिर करके बलराम जी के साथ रंतुम बिहार करने के लिए भगवान वृंदावन में प्रवेश किए धेनव मंद गामिन्य उधो भारिण भूयसा यजुर् भगवता हुता द्रुतम प्रत्या स्तुनत स्तना भगवान तो वृंदावन में विहार कर रहे क्रीड़ा कर रहे हैं और गाय घास चर रही हैं अब सब जगह घास है चित्र से अध्ययन हो रहा है शब्द से ज्यादा अच्छा पिक्चर हृदय में आएगा वृंदावन में भगवान तो विविध प्रकार की क्रीडा कर रहे हैं बिहार कर रहे हैं और वर्षा ऋतु है तो सब जगह हरा हरा घास है तो गाय घास चर रही और घास चरते-चरते गाय दूर तक जाती है और ऋतु में इतने घास है कि थोड़े देर में ही गायों का पेट भर जाता है अब गाय कुछ दूर चली गई है तो भगवान उनको बुला रहे हैं आहूता भगवान गायों का नाम ले लेकर के बुलाते थे हे धौली हे गंगे हे जमुने गायों का भी नाम है वो तो कभी कभी वृक्ष पर चढ़ करके बुलाते हैं। और तो भगवान का आवाज बहुत दूर तक जाता है अब गाय जब अब भगवान की आवाज सुनी भगवान बुला रहे हैं तो मंद गामिन्य अब उनका इतना पेट भर गया है और बड़ा बड़ा थान है वो दूध का थन है वो इतना भर गया है कि भगवान बुला रहे हैं तो द्रुत वे बहुत तेजी से आ रही है ऐसे तो अब उनका इतना थन बड़ा है और पेट भरा हुआ है कि मंद गामिन्य वे बहुत तेज नहीं चल सकती लेकिन भगवान बुला रहे हैं तो यही द्रुतम वे बहुत तेजी से आ रही है अब तेजी से आ रही हैं, तो स्तना है तो स्नता अब कह रहे हैं कि गाय तेजी से आ रही है तो छर छर उनके अस्तन से दूध निकल रहा वे दूध केव निकल रहा है वो इतना अधिक दूध है और आवाज सुन करके अब कृष्ण के प्रति इतना स्नेह उमड़ रहा है प्रत्या स्नेह उमड़ने से दूध इधर उधर छिट रहा है, निकल रहा है, पे किसी के अस्तन में दूध है तो स्नेह से ही बाहर आता है तो आवाज सुन करके, अपना नाम सुन करके के कृष्ण की आवाज सुन करके अब गायों में इतना स्नेह उमड़ रहा है और कुछ तेजी से चल रहे दो कारण हो रहा है कि उनके थन से दूध इधर उधर निकल रहा है सीधे धार जैसा निकलने लगता है जो है जल्दी बच्चा दी है और वे तेजी से चलती हैं, तो बरसात के दिन में हम लोग दूसरे जगह भी देखे हैं कि दूध है, निकलने लगता है यहाँ तो भगवान के प्रति इतना स्नेह है कि उनके थन से स्वतः दूध छरित हो रहा है और बनऊ का प्रमुदता बनराजी मध्य वन में जो व्यक्ति हैं, खास करके जो पुलिंदों के जो छोटी जाति है उनके लड़कियां हैं तो वे बहुत प्रसन्न है आभीर पुलिंद ये सब जातियां हैं, तो वन में रहती हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हैं और वनराजी मधुच्युत जो वृक्ष है तो वे बहुत प्रसन्न है क्या लक्षण है प्रसन्नता का कि उनसे स्वतः ही मधु छरित हो रहा है और जलधारा जलधारा ददृशे गुहा और पर्वत बहुत प्रसन्न है उसका लक्षण है कि झरना गिर रहे ये पर्वत के प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे है और उससे खूब सुंदर आवाज निकल रही है और आवाज निकलने से जो झरना का आवाज है तो उसका प्रतिध्वनि आ रहा है तो प्रतिध्वनि सूचित कर रहा है कि नजदीक में कोई गुफा है आवाज उधर से लौट आ रहा है तो उससे पता चलता है कि कहीं गुफा है आवाज से के प्रतिध्वनि से गुफा का निर्देश हो जाता है तो क्वचित तो ऐसे सब प्रसन्न है तो क्वचित वनस्पति क्रोडे गुहायम चा भी बरसती निर्विश्य भगवान दे में कंद फूल कंद मूल फलासन से, फला तो बरसात के मुख्य क्रीड़ा है खास करके बरसात समाप्ति के तरफ है और उसी में वर्षा होने लग वर्षा रुक रुक करके होता है सदैव वर्षा नहीं है तो अभी वर्षा नहीं है तो भगवान और सखा लोग इधर उधर खेल रहे हैं लेकिन अब वर्षा होने लगे तो दौड़ करके भिजने से बचने के प्रयास करते हैं तो क्या प्रयास करते हैं कि क्वचित वनस्पति क्रोडे अब वर्षा होने लगे तो सब सखा लोग किसी वृक्ष के नीचे आ जाते देखिए वृक्ष के नीचे आने पर तो कुछ समय तक तो वर्षा से रक्षा हो जाती है पानी वर्षा का नहीं पड़ता है लेकिन अब कुछ देर के बाद तो पत्ता से पानी गिरने लगता है लेकिन जो दक्ष व्यक्ति है अनुभवी व्यक्ति है तो वह अब जहां पत्ता है उसका आश्रय नहीं लेता जहां से मोटा तन्ना निकला है और उसके नीचे हो जाने से तो वहां पानी नहीं आता है उस पर जो पानी आता है तो धीरे धीरे तो तन्ना के तरफ डाली से तन्ना के तरफ चला जाता है या जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष है और उसमें कभी कभी बड़े बड़े गड्ढा होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रक्षा करने भिंजने से बचना तो एक बात है उसमें जाने में भी उसमें घुसने में भी आनंद है तो कभी कभी वो भगवान सहित बच्चे उस खोडरे में घुस करके जल से रक्षा कर रहे हैं या जो वृक्ष की मोटी डाली है तो उसके नीचे खड़ा हो करके रक्षा कर रहे हैं और कभी कभी गुहा गु, गुहाया वो पर्वत है तो उसके गुफा में ही घुस गए ब्रज में बहुत गुफा है और जो लोग गुफा देखने में इंटरेस्टेड है उनको जलखोर में जाना चाहिए जलखोर की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है कई एक गुफा है तो भगवान है। वर्षा से रक्षा के लिए भिंजने से बचने के लिए गुफा में सखाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और उनकी एक विशेषता कर रहे हैं कि वहाँ कोई बहुत टेंशन में नहीं है वर्षा से बचने के लिए गुफा में घुस गए लेकिन वहाँ बहुत चिंता में नहीं है रेमे कंद मूल फलासन वहाँ भी आनंद ले रहे हैं कुछ फल साथ में ले गए हैं कंद ले गए हैं मूल ले गए हैं खजूर पका हुआ है जामुन पका हुआ है और उसको तोड़ लिए है ये वर्षा है तो कई एक प्रकार के मूल है जो खाने में अच्छा लगता है कंद है ये कंद और मूल एक ही है अब अंतर करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा अंतर कर सकते हैं जो कंद है तो माटी के भीतर ही रहता है और मूल है तो कुछ भीतर रहता है कुछ बाहर भी आ जाता है जैसे मूली है तो मूली को कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऊपर भी रहता है लेकिन सरकान को ऐसा नहीं देखे होंगे ना तो सकर कंद उसको कंद कहते हैं ये मूली है ये और भी दूसरा अंतर किया गया है तो कह रहे हैं कि कंद मूल फलासन भगवान वृक्ष के नीचे जा करके या गुफा में प्रवेश करके विविध प्रकार के फल और कंदमूल खा रहे हैं। और दध्यो दनम, दध्यो दनम सलिलांति के बुभजय गोपे शंकर और भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तो माँ को बहुत चिंता रहती है कभी भी वो बच्चे को बिना भोजन की नहीं भेजती है माँ पहले से तैयार रखती है और उसको बांध करके अपने बच्चों को दे देती तो सब छाक ले करके गए हैं में छाक कहते हैं अंग्रेजी में उसको टिफिन कहें जो कहें, वो तो सब ले करके गए हैं तो गुफा में ने, गुफा में तो फल इत्यादि खा रहे हैं। अब किसी सरोवर के नजदीक पत्थर पर ही उसका भोजन करने लगे दही ले गए हैं भात ले गए हैं लेकिन कोई बर्तन लेकर के नहीं गए हैं खाने के लिए अब वर्षा तो होने से तो पत्थर तो बिल्कुल स्वच्छ है तो पत्थर पर ही रह करके और भोजन कर रहे है कह रहे हैं कि दध्योदनम समानितम शिलायाम सलिलान तक के कहीं जल देखे नजदीक में स्वच्छ जल है तो वहीं पत्थर पर खाने लगे संभोजनीय है गोपय शंकर शरण्वित तो, भगवान बलराम जी के साथ और अनेक सखाओं के साथ पत्थर पर शिला पर भोजन कर रहे है वो तो भगवान कई एक वन में गाय चराते थे और कई एक साल तक गाय चराए इसलिए बहुत जगह वो पत्थर पर ही वो थाली की आकृति है और खास करके भोजन थाली तो प्रसिद्ध ही है तो बरसात में भगवान के मुख्य लीला में यह एक लीला कि पत्थर पर ही सखाओं के साथ भोजन कर रहे तो भगवान वर्षा ऋतु को देख करके वे बहुत प्रसन्न है आगे कह रहे हैं कि किसम साद, साद, विश्व चर्वतो मिलते क्षणान तृप्तान प्रसान वत् शोधो भरा प्रमा की तो थोड़े देर में ही चर ली और चरने के बाद अब उनका पेट भारी हो गया है थन भारी हो गया है तो थन भारी होने के चलते वे थकी हुई लग रही है और घना जो दूब है घास है उसी पर बैठ गई और बैठ करके अब वे चरवण करने लगे पशु का स्वभाव है कि एक बार भोजन को अंदर डाल देते हैं और फिर उसको ले करके बाहर ला करके उसका चरमण करते हैं कुचते हैं उसको पागुरी करते हैं जब तो गायों का चित्रण कर रहे हैं क्यों थकी सी लग रही है और दो पर बैठ करके घास पर बैठ करके वे पागुरी करने लगी चरवण करने लगी और उनका कहने के मिलते क्षण वे इतना सुख अनुभव कर रही हैं कि आंखें मुंदली आंखें खोली नहीं है आंख मूंद करके और चरवण कर रहे हैं पगड़ी कर रही है तृप्तान और केवल गाय ही नहीं जो बछड़े हैं या बैल है स्थान है तो सब तृप्ति का अनुभव करें सब तृप्त है और घास पर बैठ करके आंख मूंद करके और चरवण कर रहे हैं तो इसको देख करके और प्रापिट प्राविट श्रीय चता सर्व काल सुखाव भगवान पूजयाम चक्र आत्मशक्ति वृंदता और गायों को देखकर करके और बरसात के और भी सौंदर्य को देखकर करके भगवान बहुत प्रसन्न है और वर्षा ऋतु का सम्मान कर रहे जो वर्षा ऋतु के विषय में कह रहे हैं कि हलादिनी शक्ति से युक्त है भगवान के शक्ति से युक्त है तो वर्षा ऋतु ब्रजवासियों को बहुत सुख प्रदान कर रहा है खास करके गायों के सुख को देख करके भगवान बहुत सुखी हो रहे और एक चीज है जानना चाहिए कि गाय जब तृप्त होकर के संतुष्ट हो करके वो चरवण करती है या सुख पूर्वक सो करके जो सांस छोड़ती है तो ऐसा कहा गया है कि उसे सीधे लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी निकलती है तो गाय सुखी हो करके के चरबण करे या सुख के नींद से निश्वास छोड़े तो स्वाभाविक है कि समृद्धि का द्योतक है क्योंकि उनके सांस से लक्ष्मी जी निकलती है। और कोई भी गोपाल है चरवाहा है तो उसको बहुत संतुष्टि होती है जब वो यह देखता है कि गाय चर करके संतुष्ट हो करके बैठ करके अब ये चरवण करने लगी पागुरी करने लगी तो चरवाहा बहुत प्रसन्न होता है तो भगवान गायों को देख करके बहुत प्रसन्न है और प्रसन्नता के मारे वर्षा बरसा, वर्षा ऋतु को धन्यवाद दे रहे उसकी पूजा कर रहे उसका सम्मान कर रहे और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे वर्षा ऋतु तो चार महीना अब इसके बाद तो शरद ऋतु तो शरद ऋतु की भी अपनी विशेषता और जैसे वर्षा ऋतु में ब्रज सुंदर लग रहा है और शरद ऋतु में भी वैसे सुंदर लग रहा है तब आगे शरद ऋतु का वर्णन किया गया और जिसको हम लोग कल से सुनेंगे हरे कृष्ण ठीक जगत गुरु श्रील प्रहु लिखे थे ध्रुव जी नारद जी की बात मान लिए होते उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई होती किस आधार पर वो लिखे थे कहा से उनका शोध है थोड़ा इसको हम जानना चाहते भगवान का दर्शन एकदम लगता है कि उनके कंट्रोल में है नाराज जी का बात मान लिए होते और लगता है कि ये दर्शन नहीं होने देते कभी कभी लोग एकदम अविचारित बात को स्थापित कर देते हैं और उसी पर प्रश्न खड़ा कर देते और यह बहुत उलझन उत्पन्न कर देता है उस समय तो नारद जी की बात को ध्रुव स्वीकार नहीं किया ऐसा नहीं कहे कि आपकी बात ठीक नहीं है बात का अनुमोदन कि जो उपदेश है बिल्कुल ठीक है लेकिन हमारा हृदय इसको नहीं ग्रहण कर पाए हमारा हृदय फूटा हुआ है तो वहां तो उस बात को नहीं स्वीकार किए लेकिन जब भगवान राज्य करने के लिए भेज दिए तो भगवान के दर्शन के बाद तो उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि देवता लोग हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए हम नाराज जी के बात के तथ्य को ग्रहण नहीं कर पाया और नारा जी के बात को स्वीकार कर लिए होते शायद तो मार झगड़ा में नहीं पड़े होते बहुत मार झगड़ा किए ना <laughs> उसे शायद बच गए होते और कम से कम ध्रुव को तो यही अनुभव हो रहा है कि हमको वही बात स्वीकार करना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि भगवान के उपाय के लिए अब दो विकल्प है तो एक ही भैलीड है दोनों भैलीड है कोई कोई व्यक्ति इस मार्ग से भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा कोई कोई उस मार्ग से करेगा अधिकारी भेद से साधन का निरूपण किया जाता है यह कहना उचित नहीं है नाराज जी की बात मान लिए होते तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती लेकिन नाराज जी की बात मानने से हो सकता है कि भगवान खुश होकर के उसी समय दर्शन दे देते प्रश्न करता रोक देते <laughs> भगवान किसी को दर्शन देना चाहे <laughs> है, इनके कंट्रोल में है कि ना ना अभी नहीं दर्शन दे सकते <laughs> इस विधि से ही दर्शन दे। भगवान किसी के अधीन नहीं ठीक <laughs> है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कल तो एकादशी